जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। मैं दिनेश श्रीवास्तव। इनर व्हील क्लब की वह टीम जो आने वाले भविष्य में क्या क्या योजना में काम करेगी, उनसे विशेष बातचीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नमस्कार, मैं दिनेश श्रीवास्तव। मदर टेरेसा, जिस दिन उनका देहांत हुआ था और उस देहांत के बाद उनके जो अंतिम क्रिया करने के लिए उस समय के राष्ट्रपति अमेरिकन बिल क्लिंटन जी आए थे, कलकत्ता आए थे, क्योंकि वह देवी दूसरों की सेवा करते करते अपना जीवन व्यतीत कर दी थी। हमारे साथ जो पीछे महिला दिख रही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वुमेन संगठन है, जो अपने वॉलंटियर मतलब जो अपनी क्षमता से, अपनी पैसा से, और सबसे बड़ी चीज़ है कि महिला अपने समय देकर वह संगठन को चलाती है, जिनका नाम है इनर व्हील क्लब जमशेदपुर ईस्ट। हमारे साथ वह महिला आज एक साथ है और अपनी परिचय देगी शॉर्ट में, फिर उनसे हम सवाल जवाब पूछते हैं। मैडम, अपना परिचय दीजिए, नाम और ये बताइए बस। नीलिमा प्रकाश, पास्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं, लेकिन इस साल मैं ट्रेजरर बन रही हूँ। मैडम, अपना मधुमिता सान्याल, इस बार की सेक्रेटरी 2022-23 की। मैं शौंपा उपाध्याय, वाइस प्रेसिडेंट इस साल की। हम प्रेसिडेंट अर्चना 2022-23 की। मैं सोनाली महंती, मैं इस साल की इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं पिछले साल 21-22 में प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। मैं मंजरी भट्टाचार्य, मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ। इस साल मैं किसी ए में नहीं है, पोस्ट में नहीं है, फिर आगे देखेंगे। मैं अंजू बाला, इस साल की एडिटर 22-23 के। मैडम, सबसे बड़ा सवाल कि आप लोग अपने घर में बैठ के, जो आम लेडीज होती है, टीवी देख सकते हैं घर में, लेकिन आप लोग को ये काम करने में क्या खुशी मिलता है? देखिए सर, हमारा तो आदमी ना कहते हैं ना, माँ बाप से सीखते हैं। मेरी मम्मी रोटेरियन थी और हम बचपन से ही अपनी माँ को बहुत सेवा भावना में देखे, तो वो अपने आप बिल्ट हो गया। और था कि बच्चे जब बड़े हो जाएं उसके बाद मैं समाज के लिए कुछ करूं। जिस दिन मेरी बेटी गई 2011 में दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसी दिन मैंने ये संस्था ज्वाइन कर लिया। एक तरफ अगर वह बुजुर्ग हो जाते हैं तो तीर्थ स्थान जाते हैं, बैद्यनाथ जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे और बोलेंगे कि मैं अपना जीवन सफल कर दिया, लेकिन हमारे साथ वह महिला है जो देश के लिए आवकन है, अपने सब कुछ काम करने के बाद वह समाज सेवा के लिए निकल गई है। समाज सेवा ऐसे कि अपना पैसा लगाकर, अपना समय लगाकर वह समाज सेवा कर रही है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या समस्या होती है जो महिला लोग? हम जमशेदपुर के यही है, बॉर्न एंड ब्रॉटअप, और महिलाओं के लिए कुछ बहुत कुछ ना यहाँ प्रॉब्लम है, जैसे एडुकेशन लिटरेसी उन लोगों का प्रॉब्लम है। ओल्ड एज में एडल्ट एडुकेशन जो है वो तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एडल्ट एडुकेशन में औरत को बुलाएं, कुछ पढ़ाए लिखाए, ये बात है। और चाइल्ड एडुकेशन में भी बहुत जगह स्कूल जो है वो टूटा फूटा है, एवरीथिंग, तो उसको उन लोगों को भी हम लोग हैप्पी स्कूल बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को बहुत सहायता करते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, विंटर यूनिफॉर्म देते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उन लोगों को कुछ अच्छा हो, कुछ भला हो, हम लोग का भी मन बहुत सुकून मिलता है इसी से। मैडम, एक तो मैडम तो एजुकेशन, और क्या सेक्टर में आप लोग काम करते हैं? देखिए, हम लोग अंडर प्रिविलेज लेडीज़ के लिए मेनली काम करते हैं, बच्चों के लिए भी, एडल्ट्स एंड गर्ल्स के लिए हम लोग खूब काम करते हैं। बहुत सारे गर्ल्स होती हैं जो कि स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, उनके शिक्षा के लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं। आजकल ई लर्निंग बहुत चला हुआ है, बिना फ़ोन का लोग पढ़ नहीं सकते, उसमें हम लोग फ़ोन जाके देते हैं ताकि वो लोग अपना पढ़ाई घर में पूरा कर सके। साथ ही साथ औरत लोग को थोड़ा सा हम लोग स्वावलंबी बनाने का कोशिश करते हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग हम लोग दिलाते हैं, कुछ उन लोगों को पैसा देते हैं बिजनेस सेटअप के लिए। जैसे लास्ट ईयर हमने 3 औरतों को टेलरिंग सेटअप करके दिया, फिनाइल का बिजनेस करके दिया, अगरबत्ती का बिजनेस हम लोग करके दिए थे 3 लेडीज़ को। इसी तरह हर साल हम लोग कुछ लेडीज़ को ट्रेनिंग देते हैं, ब्यूटिशियन का, मेहंदी कोर्सेज का ट्रेनिंग होता है, जिससे वो अपना इनकम कर सके। और जो लोग इनकम नहीं करना चाहते, उनको भी चाहते हैं कि वो लोग बैंक
का खाता के लिए समझे, अपना हक समझे, अपना जो मेडिकल वाला जो फैसिलिटीज़ मिलता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए गवर्नमेंट का जो, उससे हम लोग उसको रूबरू कराए ताकि वो समझे कि उनके पास वो सारी सुविधाएँ जो सरकार देती है वो उनके पास मिल रहा है कि नहीं। साथ साथ उनकी और भी जो घरेलू समस्या होते हैं उसमें हम लोग योगदान करने का कोशिश करते हैं, उनको हटाने का कोशिश करते हैं, जैसे स्वच्छ पानी पीने का समस्या हुआ, बच्चों का टीकाकरण हो गया, वैक्सीनेशन, अन लॉट ऑफ थिंग्स, बस ये सब में काम करते हैं। इस बार आप लोग का क्या जिम्मेवारी? इस बार तो देखिए हर साल एक गोल दिया जाता है हम लोगों को, जो नेशनल गोल आता है उसी के तहत हम लोग काम करते हैं, घूम फिर के हर साल वही काम होता है, महिलाएं लेके होता है, बच्चे लेके होता है, लेकिन हम लोग खासकर लड़की बच्चे जो है उन पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, या औरत होती है, जितनी फीमेल रिलेटेड जो भी चीज़ होता है। इस बार तो हम लोग एक गांव भी अडॉप्ट कर रहे हैं, उस गांव में बहुत तरह की समस्या है। पिछले साल जैसे हम लोग पटमदा में पानी का प्रॉब्लम था, पानी पीने का कहीं नहीं था, तो दो साल से हम लोग वहाँ बोरिंग करवा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं उन लोग को, और बहुत खुश हैं। उन लोग की खुशी देख के हम लोग को खुशी होती है, लगता है कि कुछ भी है, जो भी है, लगता है जैसे अपना बच्चा लग रहा है, जैसे कि मेरे बच्चे। इस बार का क्लब तो हर प्रेसिडेंट का एक एक नाम छपा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो 12 साल का ये मेरा क्लब हुआ, 12 साल से हम काम कर रहे हैं चार्टर प्रेसिडेंट की तरफ से जा रहे हैं। मैडम जी आपसे पूछ लिए? नहीं। अच्छा ठीक है, बताइए मैडम, सब अपना अपना, आप भी कुछ बताइए। सोलर में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी हाँ। वर्ल्ड अभी सोलर में आप लोग क्या क्या? सोलर में हम लोगों ने एक गांव अडॉप्ट किया था खपचा डुंगरी घोड़ाबंधा ब्लॉक में, तो वहां पर जो है आंगनवाड़ी एक है वहां पे, जो बच्चों के लिए और जो अंडर प्रिविलेज लेडीज हैं वहाँ के, तो वो चलता था विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वो गांव में कहीं भी बिजली की का इंतज़ाम वहाँ पर नहीं हुआ है। वहाँ पर हमने सोचा कि एक सोलर लैम्प का अगर हो जाए तो वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा सुविधा हो सकता है, तो वहीं पर हमने एक सोलर लैम्प का हमने इंस्टॉलेशन किया था। तो वो होने के बाद वो एंटायर जो गांव है, बच्चे इतने खुश हो गए कि वहाँ पर उन्होंने शाम में भी वो अपना जो काम है वहाँ करना शुरू किया, और वो जो एंटायर जो रास्ता था वहाँ पे अप्रोच कुछ था नहीं, तो गांव में चलने फिरने का बहुत दिक्कत हो वहाँ पे होता था, तो ये लाइट की वजह से वो वहाँ पे वो एक एक्सेस मिल गया उनको आने का आंगनवाड़ी केंद्र में। मैडम एक चीज़ बताइए, अभी आप देखते होंगे टीवी मीडिया में झारखंड की बहुत सी महिला है जो नेशनल इंटरनेशनल हॉकी मेल है, उनके लिए स्पोर्ट्स के लिए भी आप लोग कुछ करते हैं? स्पोर्ट्स के लिए करते हैं हर जगह में, 15 अगस्त कोई कोई स्कूल में, कई उड़िया समाज में, हर जगह में स्पोर्ट्स के लिए हम लोग बहुत इनकरेज करते हैं, उन लोग को कंपटीशन कराते हैं, उन लोग को प्राइज दिया जाता है। अनाथ आश्रम में भी हम लोग जाते हैं जहाँ बच्चे को सबकी जो हमस्ती का पाठशाला में जहाँ जाते हैं वहाँ स्पोर्ट्स वगैरह कराते रहते हैं, उन लोग को कंप्यूटर भी देते हैं, हर कुछ दे के उन लोग को आगे जाने का कोशिश तो करते हैं, गेम्स में बहुत ले लेते हैं। मैडम एक चीज़ है कि यहाँ की महिला लोग के साथ बच्चे के साथ बहुत मतलब सुरक्षित नहीं, इसके लिए उसको सेल्फ डिफेंस या ऐसे इस टाइप का आप लोग उसको मतलब मेकअप माइंड मेकअप करते हैं? हाँ, इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास में हैं कि वो लोग कैसे बचे, कैसे अब्यूज नहीं हो, उसके लिए हम लोग जगह जगह पर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को बताते हैं, खास कर लड़कियाँ को बताते हैं कि हाँ आप लोगों को गुड टच बैड टच का ज्ञान देते हैं, ताकि वो कहीं भी माने अपने को संभल सके, कहीं भी जाने में हिचकिचाहट नहीं हो। आजकल के हम लोग के जैसे पेरेंट्स लोगों का था कि लड़की को अकेले नहीं छोड़ना है, नहीं क्या, तो वो सब से हम लोग उसको अवेयरनेस देते हैं कि आप निश्चिंत होकर करो, लेकिन आप लोग को ये चीज़ का ज्ञान रखना है, तो इसके लिए फिर कराटे वगैरह का भी कोर्स कराते हैं ताकि वो अपने आप को रक्षा कर सके। तो कोशिश है हम लोगों की इस मरीज का उन लोग को प्राइज दिया जाता है, अनाथ आश्रम में भी हम लोग जाते हैं जहाँ बच्चे को सबकी जो हमस्ती का पाठशाला में जहाँ जाते हैं वहाँ स्पोर्ट्स वगैरह कराते रहते हैं, उन लोग को कंप्यूटर भी देते हैं, हर कुछ दे के उन लोग को आगे जाने का कोशिश तो करते हैं, गेम्स में बहुत ले लेते हैं। मैडम एक चीज़ है कि यहाँ की महिला लोग के साथ बच्चे के साथ बहुत मतलब सुरक्षित नहीं, इसके लिए उसको सेल्फ डिफेंस या ऐसे इस टाइप का आप लोग उसको मतलब मेकअप माइंड मेकअप करते हैं? हाँ, इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास में हैं कि वो लोग कैसे बचे, कैसे अब्यूज नहीं हो, उसके लिए हम लोग जगह जगह पर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को बताते हैं, खास कर लड़कियां को बताते हैं कि हाँ आप लोग को गुड टच बैड टच का ज्ञान देते हैं, ताकि वो
कहीं भी माने अपने को संभल सके, कहीं भी जाने में हिचकिचाहट नहीं हो। आजकल के हम लोग के जैसे पेरेंट्स लोगों का था कि लड़की को अकेले नहीं छोड़ना है, नहीं कर, तो वो सब से हम लोग उसको अवेयरनेस देते कि आप निश्चिंत होकर करो, लेकिन आप लोग को ये चीज़ का ज्ञान रखना है। तो इसके लिए फिर कराटे वगैरह का भी कोर्स कराते हैं ताकि वो अपने आप को रक्षा कर सके। तो कोशिश है हम लोगों की इस काम में हम लोग कुछ करें ताकि आगे हम लोग को परेशानी नहीं हो। हमारा इनर व्हील का एक खूबिया है, सारा वर्ल्ड में जाइए, जहाँ जाइए सब अपने बहन जैसी है, सिस्टर्स। हम लोग सब एक साथ मिलके काम करते हैं, उन लोग भी इंडिया के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड है, उन लोग भी हम लोग को हेल्प करने का कोशिश करते हैं, जानने चाहते हैं। हम लोग को फ्लैग एक्सचेंजिंग है जो ISO करते हैं, उसमें क्या होता है हर क्लब के साथ जो कोऑर्डिनेशन बन जाते हैं, हमारा क्या होता है क्या नहीं होता है, हम लोग उन लोग को देते हैं, उन लोग का फ्लैग हम लोग लेते हैं। देखिए आज ही के पेपर में झारखंड का इंडेक्स छपा गया कि झारखंड में और साउथ में जो बच्चे हैं, हर 15 बच्चे में एक टीचर है, और हमारे झारखंड में आप अंदाज लगा सकते हैं कि टीचर नहीं है, स्कूल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ हम सरकार को नहीं दोष दे सकते हैं कि सरकार कुछ नहीं है, हमें चाहिए कि इनर व्हील जैसे संगठन सिर्फ जमशेदपुर में नहीं हो और पूरे भारत में हर प्रखंड हर जिला में हो, तभी जाकर हमारा देश और उन्नति करेगा और बहुत उत्थान करेगा और तरक्की करेगा। और इसमें इस महिला का बहुत बड़ा योगदान है जो अपने जीवन का कीमती समय, जीवन का कीमती पैसा और जीवन का सबसे बड़ा समय वह दूसरों के लिए देती है। इसीलिए विनर बिल का जो प्रोग्राम है, जो संगठन है, या दूसरों के लिए है जो महिला लोग लीड करती है। एडी लाइव को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार। जमशेदपुर पुलिस लाइन में कल 3 डेड बॉडी का मिलना सनसनी खबर बन गया। यह कैसे हुआ, कब हुआ, पुलिस इसमें जाँच कर रही है। जवान लोग कोई पुलिस लाइन के परिसर में जो स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाया गया है, उस क्वार्टर में एक फ्लैट से 3 डेड बॉडी प्राप्त होने की सूचना मिली थी। अभी जो प्राइमरी जांच हम लोग कर रहे हैं, पूरी टीम यहां पहुंची हुई है। प्राइमरी जांच में ये ज्ञात हुआ है कि एक लेडी कांस्टेबल है जो इसी जिला में कार्यरत है, वो उनकी माँ और उनकी बेटी तीनों एक साथ इस फ्लैट में रहते थे और तीनों का पिछले 2 दिन से कोई सुराग नहीं मिल रहा था, इनको देखा नहीं जा रहा था। अगल बगल के लोग जब खोजबीन किए, दरवाज़ा बाहर से बंद था, उसको जब यहाँ खोला गया तो देखा गया कि अंदर तीनों का डेड बॉडी है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, हम लोग फॉरेंसिक टीम को भी बुलवाए हैं, फिंगरप्रिंट की टीम आ गई है, हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी घटनाक्रम है, जैसे हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, उसका जांच करके अगली तक कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, प्राइमा फेसी जो चीज़ें सामने आई है उससे अभी कुछ स्पष्ट ज्ञात नहीं हो पा रहा है। जब तक पूरी जांच हम लोग नहीं कर ले तो पूरी टीम लगी हुई है, जांच के बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसको बताया जाएगा। कितने लोग क्या क्या नहीं 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 पड़ोसी जो भी आसपास के फ्लैट में रहते हैं उनका कहना है कि उनको किसी प्रकार की कोई भनक नहीं मिली। जब उसकी सुराग नहीं मिल रही थी तो लोग खोजने लगे और उसके बाद जब उनके घर में गया जाया गया तब इतने देखा गया। दरवाजा के बाहर से बंद हुआ? जी दरवाजा बाहर से बंद। सर जो डेड बॉडी है, सर डेड बॉडी है, उसको देखने से कैसे लग रहा है सर? देखिए जैसा मैंने पहले बताया है कि अभी जो प्राइमरी जांच हुआ है उसमें कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, लेकिन जरूर जो निशान है वो इंगित करते हैं दोनों तरफ। और जब स्पष्ट जांच हो जाएगा, जैसा मैंने पहले बताया, फॉरेंसिक टीम आ गई है, फिंगरप्रिंट की टीम आ गई है, वो लोग जांच कर रहे हैं। इसका पूरा जांच हो जाने के बाद ही हम स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम रहेंगे। नहीं जो लेडी कॉन्स्टेबल हैं उनका नाम है सविता,
और उनकी माता जी का और उनकी बेटी का नाम अभी मुझे ज्ञात नहीं है, हम लोग डिटेल इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।